Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. Hi guys, welcome back to the channel. मैं हूँ प्रिया और सोना अपने घर पे है. हमने कुछ बैकअप वीडियोस ले रखे थे, तो अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोग डाल रहे थे वो बैकअप वीडियोस में से ही एक था. पर नाउ हमारा स्टॉक खत्म हो गया है और हमारे पास ज्यादा वीडियोस नहीं बचे, तो वी हैव टू शूट अलग अलग. बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. जब पूरा वर्ल्ड इतने बड़े ग्लोबल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है, सो वी एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन कैन डू व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग अस. सोशल डिस्टेंसिंग करके हम अपने फिजिकल हेल्थ को तो ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज इट इज सच अ ह्यूज एडजस्टमेंट इन आवर लाइफस्टाइल दैट वी आर स्टेइंग एट होम फॉर 24 आवर्स, अपने मेंटल हेल्थ का टेक केयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. So, इस वीडियो में व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर सम टिप्स दैट आई एम यूजिंग टू कीप मायसेल्फ पॉजिटिव एंड काम एंड हैव लेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस अमंग ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो मेरा पहला टिप ये है दैट लिमिट योर न्यूज. इनिशियली हम बहुत ज्यादा न्यूज देख रहे थे, हर 15 मिनट में अपडेट्स देख रहे थे कि कितने केसेस आए, कहाँ क्या हुआ, एंड आई वॉज गोइंग इन टू अ पैनिक मोड एंड एंग्जाइटी अटैक आ रहे थे मुझे. सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई लिमिट माई न्यूज. सो राइट नाउ व्हाट आई डू इज हम सुबह में एक बार जब उठते हैं तब और रात में सोने के पहले आई गो थ्रू अपडेट्स एंड दैट टू वो सिर्फ एक दो दो लाइन के अपडेट्स होते हैं. I don't go and read articles, don't go and watch news channel. हमारे घर में टीवी और भी नहीं होता. So what I'm trying to say is कि जरूरी है कि आप अपडेटेड रहें, पर ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन भी मत करिए. मैंने फेसबुक पे बहुत लोगों को स्नूज किया है और जितने भी लोग निगेटिव या कुछ ऐसा हेटफुल या कुछ भी कमेंट्स डाल रहे थे, एवरीबडी वो स्नूज फॉर 30 days. आई एम रियली सॉरी. इंस्टा पे भी बहुत लोग म्यूट हो गए हैं. जस्ट ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ न्यूज राइट नाउ. दूसरी चीज जो ध्यान दीजिए वो ये कि फेक न्यूज से दूर रहे. व्हाट्सएप पे जो भी आर्टिकल्स आते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं, उनको मत देखिए. जो भी जेन्युइन न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज सोर्स हैं उसको आप देखिए. WHO का जो इंस्टा पेज है इट्स क्वाइट एक्टिव, सो फॉलो दैट, शेयर दोज पोस्ट. सो स्टे अपडेटेड बट ओवरलोड नहीं. माय टिप 2, गेट ड्रेस्ड. सब लोग अपने पजामाज में घूम रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल है. आई एग्री, बट कीप 2 sets एटलीस्ट एंड मेक अ रूल दैट व्हाटएवर यू आर वेयरिंग इन द डे यू विल नॉट स्लीप इन दोस क्लोथ्स. यू विल चेंज योर क्लोथ्स एंड स्लीप. सो द डे क्लोथ्स शुड बी वॉर्न ओनली ड्यूरिंग द डे. सो हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं एंड आई फॉलो अ रूटीन. उसके बाद फिर आई गेट ड्रेस्ड. और आई एम नॉट सेइंग कि मेकअप वेकअप करके बैठ जाओ, दैट विल नॉट बी appropriate, but what I'm saying is that wear your nice clothes जो आप बाहर जाके पहनते, क्या पता उनको हम लोग वापस कब पहनेंगे, मौका कब मिलने वाला है, वो भी बोर हो रहे होंगे. Get dressed, wear ironed clothes and feel good about yourself. Third tip, pick up a long lost hobby or thing that you wear. कीपिंग असाइड कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे. हम लोग सबके पास एटलीस्ट 10 ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बोल रहे होते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे. मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी. तो ट्राई टू फाइंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग दैट. जैसे कि मैंने अपने फोन का बैकअप लिया, मुझे लैपटॉप का बैकअप लेना था, सो आई डिड ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद मेरा एक ड्रॉअर है जिसमें हम कचरा डाले जा रहे थे और बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो पड़ा था, तो उसको क्लीन करने की कोशिश रहेगी मेरी. मैंने अपना एक वर्क डेस्क पूरा क्लीन करके एक अलग रूम में डाला है ताकि हम काम कर सके ढंग से. आई स्टार्टेड पेंटिंग अ लिटिल. बहुत दिनों से वो छोड़ा हुआ था मैंने. मेरा ज्वेलरी भी है पड़ा जो कि हम सोच रहे हैं कि ज्वेलरी बॉक्स को आई विल क्लीन एंड इन ऑल दोस थिंग्स. मेरा एक 100 पेज का रिपोर्ट है जो कि पेंडिंग है एंड बहुत दिन से कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए वो हो नहीं पा रहा. एंड आई डू नॉट हैव दैट एक्सक्यूज एनी मोर, सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई रिपोर्ट. ऐसे ही आई एम श्योर आप लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनको खत्म करने की कोशिश करें. माई फोर्थ टिप इज टू एक्सरसाइज, बी एक्टिव एंड फिजिकली एक्टिव रहिए. क्योंकि बिकॉज हम लोग घर पे हैं तो हमारा मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गया है. नाउ आप सबको पता है कि मुझे खाना कितना पसंद है एंड व्हेन इट कम्स टू मी आई एम अ वेरी लेजी पर्सन.
तो हम खुद के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं इतना। मेरे लिए एक्सरसाइज करना, जिम जाना एक थोड़ा मुश्किल काम है और एक रूटीन फॉलो करने का विल पावर भी नहीं है मेरे अंदर। आई कैन नॉट डू दैट, बट आई डू वॉन्ट टू लूज माई वेट। आई एम ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। जनवरी से अभी तक मैंने 4 kg वेट लूज कर लिया है थैंकफुली। हम वॉक करते हैं, बहुत ज्यादा वॉक करते हैं और आई ट्राई टू एटलीस्ट टू 8,000-10,000 स्टेप डेली। और पहले क्या होता था ना, जिस दिन हम कुछ काम नहीं कर रहे होते थे उस दिन मेरे 3,000 स्टेप से ऊपर कभी भी नहीं जाते थे। पर नाउ आफ्टर द लॉकडाउन हम इतने एक्टिव तो हो गए हैं कि हम जिस दिन कुछ भी नहीं करते उस दिन भी मेरे 5,000 स्टेप्स हो जाते हैं एटलीस्ट। सो ट्राई टू हैव सम एक्सरसाइज रूटीन, वॉकिंग विल ऑल्सो डू, नहीं तो थोड़ा बहुत डंबल एक्सरसाइज या बहुत ही लाइट कार्डियो करना है। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस भी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। जैसा कि बहुत लोग ये टिप्स दे रहे हैं दैट नेटफ्लिक्स एंड चिल, यस ऑफ कोर्स यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब के अलावा देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो ना अपना कोर्सेज फ्री में दे रहे हैं। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी काफी कोर्सेज फ्री में आए हैं एंड देयर आर सम अदर साइट्स आल्सो। और मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं एंड विच इज हेल्पिंग मी ब्रश अप माई स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है ऑन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, देन आई हैव ज्वाइंड अ कोर्स ऑन इंटीरियर डेकोरेशन, आई हैव ऑल्सो ज्वाइंड अ कोर्स ऑन डिजिटल फोटोग्राफी एंड SEO। हार्वर्ड का जो यूनिवर्सिटी का जो कोर्सेज है दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू चूज एंड पिकअप अ कोर्स फ्रॉम देयर एंड इट्स एक्चुअली अ गुड लर्निंग अगर आप ये कर सकते। ट्राई टू अटेंड वेबिनार्स, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग वेबिनार्स नाउ। और इसके अलावा ना हम हेड स्टार्ट के लिए वॉलंटियर करते हैं जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कम्युनिटी है फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, एंड दे वर हैविंग अ वॉलंटियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें वो लॉकडाउन का जो 21 डेज था तो दे हैड अ 21 डे वेबिनार ईच डे फॉर ऑल द वॉलंटियर्स एंड आई अटेंडेड मोस्ट ऑफ देम। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उससे भी मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करे आप उसको पिक करें और उसको करने की ज़रूर कोशिश करें। नेक्स्ट टिप, सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर रहे हैं पर सोशली डिस्टेंस मत हो जाइए, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ स्टिल बी कनेक्टेड। वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, हम सबके साथ कुछ ना कुछ लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं एंड वी कैन डू वॉइस चैट, वी कैन टॉक टू देम, वी कैन स्टे कनेक्टेड। मेरे पास ना ऐसे 3-4 ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, हमको जब भी एंग्जाइटी होने लगती है और हर से हम हर अलग टाइप की बातें कर रहे होते हैं उससे मेरी जो हर तरह की एंग्जाइटी उसको हम कर्व कर पा रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देयर कैन बी टाइम्स व्हेन यू फील लेथार्जिक और आपको 2 बजे रात में सोने और सुबह भी 2 बजे उठने का मन करेगा and it's okay as long as you keep your mind active, even if your body is feeling lethargic, it's okay on some days. Humanity first. और हम लोग तो privileged class है, हम लोग घर पे बैठ के Netflix and chill जरूर कर सकते हैं और we can be happy about it कि हम लोग घर पे रह रहे हैं। But there were a lot of people who were like daily earners और उनको खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है एंड काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके साथ। सो डोंट शट योर आईज टू दोज थिंग्स ऑल्सो और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको मदद करने की जरूर कोशिश करें। लाइक आपकी मेड, या कुछ दिन पहले हमारे घर में हमारे धोबी का कॉल आया था बिकॉज उसके कोई भी काम नहीं मिल रहा है एंड ही वाज लाइक कि मेरे पास पैसे नहीं है राशन खरीदने के लिए। सो बिकॉज वी कैन हेल्प एंड हमारा 1,500 रुपया भी अगर हमने उनको दे दिया, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू देम। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है और अगर आपको भी कुछ हेल्प चाहिए तो रीच आउट टू मी, वी विल ओवरकम दिस, कीपिंग आवर मेंटल सैनिटी, बीइंग फिट, बी पॉजिटिव, कीप काम, कीप स्माइलिंग। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, हमारा ये 99th वीडियो है तो जो अगला वीडियो है वो हमारा 100th वीडियो होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी द नोवास वीडियो। लोगों ने कुछ पहले शूट करके रख लिया था। 24th ऑफ अप्रैल को हमारे चैनल के 2 साल हो जाएंगे। लास्ट एनिवर्सरी में वी वेंट आउट विद सम सब्सक्राइबर्स।
इस एनिवर्सरी में वी विल प्लान समथिंग आउट कि हम लोग क्या कर सकते हैं एंड वी कीप यू पोस्टेड. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑन आवर कम्युनिटी टैब्स एंड वी विल टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान आउट फॉर दैट डे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर. बाय.